सीएससी वैली हाउ टू एनरोल चिल्ड्रेन आधार। तो दोस्तों सीएससी वैली भाई बच्चे का आधार कार्ड कैसे बनाएं? कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले किसी भी बच्चे का आधार कार्ड एनरोलमेंट करने से पहले दोस्तों हमें जो कि उसका डेमोग्राफिक और डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। उसका नाम देना है, उसका दोस्तों हमें उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उसका दोस्तों हमें जो कि जेंडर सिलेक्ट करना है, उसका दोस्तों उसका एड्रेस, पेरेंट का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है उसे हमें जो कि देना है। बाल आधार कार्ड बनाते हैं तो दोस्तों हमें कुछ इस टाइप का डेमोग्राफी का हमें जो कि मैंडेटरी रहता है, इसके बिना हम जो कि आधार कार्ड का प्रोसेस में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उसका डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। उसका पेरेंट के पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस कार्ड, राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है जो कि यूआईडी की तरफ से ये लिखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट या तो मेडिकल कार्ड होना चाहिए, मी कंटेंट कार्ड होना चाहिए, या तो दोस्तों पासपोर्ट होना चाहिए, या तो बर्थ सर्टिफिकेट भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पर नीचे लिखा भी गया है एनी अदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशू फैमिली इंटेलिमेंट डॉक्यूमेंट। अब बात कर लेते हैं हमारा क्लाइंट सॉफ्टवेयर, क्लाइंट एप्लीकेशन के बारे में। चाइल्ड एनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो। इस सॉफ्टवेयर को हमें जो कि ओपन करना है, तो दोस्तों ओपन करने से पहले हम जो कि हम तो नया है तो हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए पड़ती है। सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, ओपन करने के बाद दोस्तों हमें जो कि क्लाइंट रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कि एड द ऑपरेटर, मतलब जो कि हम खुद ब खुद हमें जो कि वहां पर ऑपरेटर के रूप में एड होना है। उसका दोस्तों जो कि हमारा साइन होगा, मतलब लॉगिन होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो कि अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेके आती है, उसका दोस्तों हमें जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खोल के आ जाती है हमारा सामने, जो कि यहाँ पर देख ही सकते होंगे आप। यहाँ पर हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आईडी हमें देना है, वो भी एनरोलमेंट एजेंसी है, जैसे कि कोई बैंक की तरफ से ले रहे हो, कोई सीएससी की तरफ से ले रहा है, कोई और अदर एजेंसी तरफ से ले रहा है, तो दोस्तों वो एजेंसी का एक जो कि कोड होता है, आईडी होता है, वो एजेंसी आपको देने के लिए पड़ेगा। उसका दोस्तों वहां पर टेसन आईडी देने के लिए पड़ती है, उसका दोस्तों आपका लोकेशन वहां पर देने के लिए पड़ती है, उसका दोस्तों यहां पर जो कि पोर्टल क्रेडेंशियल जो कि यूजर नेम और पासवर्ड वहां पर आपको फिल करने के लिए पड़ेगा, जो भी आपके पास जो पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड है। तो भाई ये रजिस्ट्रेशन बहुत लोग कर नहीं पाते, तो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन जो कि स्टेट टीम या जो भी आपका एजेंसी लोग होते हैं वो लोग यहां पर रजिस्ट्रेशन आपको करके दे देते हैं। ऑपरेटर एडिंग का एक ऑप्शन मिल जाती है, जहां पर हमें खुद ब खुद हमारा जो कि नाम डालना है, उसका दोस्तों हमारा आधार कार्ड जो कि आधार नंबर देना है, जो भी ऑपरेटर यूजर कोड मिला हुआ है वो यूजर कोड हमें वहां पर दे देना है। ऐड ऑपरेटर वाला सेक्शन पर हमें क्लिक कर लेना है दोस्तों। उसका दोस्तों हमारा जो कि कुछ इस टाइप का एक एप्लीकेशन खोल के आ जाती है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों हमें जो कि एक इस तरह का ऑप्शन मिलती है जो कि ऑपरेटर लॉग इन ऑप्शन, जहां पर हमें ऑपरेटर का एक आधार नंबर देना है। उसका दोस्तों ऑपरेटर का बायोमेट्रिक हो या तो उसका आयर स्कैनर हो, उसे आपको स्कैन करने के लिए पड़ेगा, सक्सेसफुली लॉग इन हो जाना है। दोस्तों हमें कुछ इस तरह का क्लाइंट होम पेज जो कि शो होती है, जहां पर हमें चाइल्ड एनरोलमेंट करने का एक ऑप्शन मिलती है, ऑपरेटर का एक ऑप्शन मिलती है, अपलोड एक ऑप्शन मिलती है, उसका दोस्तों सेटिंग का एक ऑप्शन मिलती है। तो दोस्तों पहले हमें जो कि एनरोलमेंट वाला सेक्शन पर हमें क्लिक कर लेना है, क्योंकि भाई हमें किसी भी बच्चे का एक एनरोलमेंट करना है। और जो हमें ऑपरेटर वाला जो सेक्शन दिया गया है, वहां पर हम किसी ऑपरेटर को ऐड भी कर सकते हैं या किसी ऑपरेटर को डीएक्टिव या एक्टिव भी कर सकते हैं। एनरोलमेंट आइकॉन ऑप्शन एनरोलमेंट पेज, हमारा एनरोलमेंट पेज खोल के आ जाती है, जहां पर कि उस बच्चे का हमें जो कि नेम एंटर करना है, उसका जेंडर सिलेक्ट करना है, उसका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है दोस्तों, उसका माते पिता का जो भी पेरेंट का एक्नोलेजमेंट नंबर जाने के लिए उनका जो कि मोबाइल नंबर यहां पर देना है कम्युनिकेशन के लिए, उसका दोस्तों उस बच्चे का हमें जो कि फोटो लेना है, उसका दोस्तों उसका मदर का या उसका फादर का आधार नंबर फिल करके दोस्तों हमें का पेरेंट का हमें जो कि एथेंटिकेशन करना है। उसका दोस्तों हमें रिव्यू वाला सेक्शन पर हमें रिव्यू कर लेना है कि हाँ सब कुछ सही है या गलत है। उसके बाद दोस्तों हमें जो कि सबमिट वाला बटन पर हमें जो कि सबमिट कर लेना है। सबसे पहले मेन बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों उसका जो जिस बच्चे का भी आप एनरोलमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से चेक करना है, नहीं तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भाई वहां पर एक बार हो जाता है तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको अच्छे से रिव्यू कर लेना है कि हाँ सब कुछ सही है, तो दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। भाई उनका मोबाइल नंबर मेल आईडी देना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि भाई वहां पर एक्नोलेजमेंट नंबर उनके मोबाइल पर जाता है, तब जाके दोस्तों वो लोग आधार कार्ड नया डाउनलोड कर पाएंगे या जो करना है वो कर पाएंगे। तो जब भी आप बच्चे का आप जो कि उनका फोटो ले रहे हो तो दोस्तों उसका फेस जो होता है आपका कैमरे की तरफ होना चाहिए और आपका कैमरा में ऑटो फोकस ऑन होना चाहिए, जैसे कि वो बच्चे का फोटो को अच्छे से कैप्चर कर पाए। आप माता पिता का जो कि चेहरा या उसका जो कि फेस नहीं आना चाहिए। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यहाँ पर हमें जो कि लास्ट में एक ऑप्शन मिलती है, देख सकते हो, डू यू हैव ए बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब दोस्तों उनको पूछ लेना उनका माता पिता को कि
आपका बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर है या आपका जन्म तिथि का नंबर है तो दोस्तों हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आपको यस करना है और यहाँ पर जो कि एंटर करके दोस्तों सबमिट कर लेना है। आपको यहाँ पर कंफर्म करने के लिए आपको पूछा जाएगा, आपको वहां पर बता दिया जाएगा कि हाँ आपके पास है या ना है, तो दोस्तों आपको दे देना, और नहीं है तो चलेगा दोस्तों, ये कोई मैंडेटरी बात नहीं है। सक्सेसफुली एनरोलमेंट हो जाता है तो दोस्तों आपका स्क्रीन पर ही जो कि एनरोलमेंट टैटू शो हो जाएगा, एनरोलमेंट डन सक्सेसफुली चाइल्ड एनरोलमेंट, उसका जो कि एनरोलमेंट आईडी शो हो जाएगा, टाइम डेट सब कुछ जो कि अपलोड सक्सेसफुली लेके आ जाएगा, कुछ इस टाइप का आपको जो कि सामने स्क्रीन पर लेके आ जाता है। तो दोस्तों आपको जान लेना है कि ये सक्सेसफुली एनरोलमेंट हो चुका है और जो कि ऑनलाइन पर भी ये सबमिट हो चुका है। होम पेज पर आ जाओगे जहां पर कि आपको एनरोलमेंट ऑपरेटर अपलोड और सेटिंग वाला ऑप्शन दिया जाएगा, आपको एक बार चेक कर लेना है कि अपलोड वाली सेक्शन पर आपको चेक कर लेना है कि एक्चुअली सक्सेसफुली में जो कि वो अपलोड हो चुका है या नहीं, क्योंकि भाई एक एक जो कि सर्वर की वजह से अपलोड नहीं होता है, तो इसलिए आपको एक बार चेक कर लेना है। और भाई आप जैसे ही जो कि सेटिंग वाला ऑप्शन पर जाते हैं तो दोस्तों आपको कुछ इस टाइप का जो कि एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर कि ऑपरेटर एनरोलमेंट और क्लाइंट साइन और डी रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन मिलेगा, जहां पर कि आप जो कि उस टैबलेट फोन पर या उस एप्लीकेशन को डी रजिस्टर कर सकते हो, क्लाइंट साइन कर सकते हो, एनरोलमेंट देख सकते हो, ऑपरेटर को जो कि ऐड वगैरह जो भी करना है वो कर सकते हो। और जो कि दो ऑपरेटर ऐड किया गया है यहां पर देख सकते हो, तो भाई आप जो कि एक या दो ऑपरेटर भी यहां पर ऐड कर सकते हो, आप जिस टाइम में आप ना हो तो दोस्तों आपका और एक ऑपरेटर जाकर भी ये काम कर पाएगा। और दोस्तों कुछ इस तरह से जो कि आपका एनरोलमेंट का एक जो कि स्टेटस शो होगा यहां पर, जो कि कौन सी डेट में क्या टाइम में कौन सा जो कि मोबाइल नंबर है सक्सेस हुआ है या जो कि रिजेक्ट हुआ है, सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा। और दोस्तों आप जो कि कुछ इस तरह से किसी भी चाइल्ड का बच्चे का आधार कार्ड जो कि बना पाओगे बिना कोई टेंशन लिए, फिर भी आप कॉन्फ्यूज हो, आपको पता नहीं चल रहा है, तो दोस्तों दो बारकोड मैं आपको शेयर कर रहा हूं दोस्तों, जिसके थ्रू दोस्तों आप जो कि ऑफिशियली यूआईडी ने जो कि ट्रेनिंग वीडियो बनाया है, जिसके थ्रू दोस्तों आप इस वाला वीडियो को देखकर भी दोस्तों आप जो कि सीख पाओगे। यहां पर जो कि एक यूजर मैनुअल दिया गया है, इस वाली जो कि स्कैन करके दोस्तों एक यूजर मैनुअल जो कि आप पीडीएफ में डाउनलोड करके दोस्तों आप जो कि इसे भी देख पाओगे। लाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हेल्पफुल लाइक दोस्तों दबा के लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार है दोस्तों कुछ इस तरह का नया नया इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए वो लाल कलर का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर ऑन कीजिए, जब भी हम कुछ इस तरह का नया नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, आज के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।